इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में कई तरह के मामले सामने आए हैं, जिन्हें सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में कई पीड़ित अपनी समस्या लेकर पहुंच हुए, जिसमें स्कूल में स्कॉलरशिप से संबंधित मामला भी सामने आया। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सेवा सेतु ऐप को लेकर भी अपर कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई में कई आवेदन सेवा सेतु ऐप के माध्यम से अप्लाई किए गए हैं। सेवा सेतु ऐप में आमजन को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। कि शहर के ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको किसी भी चीज़ से संबंधित अगर ज़रूरत होती है तो उसमें अपना आवेदन करते हैं, या हमारे लोग भी उसमें कई बार आवेदन को ऑनलाइन करते हैं। तो हमारी यही अपील रहती है, जो भी डोनर्स होते हैं या जो मतदा ये जो दानदाता होते हैं, उनसे ये अपील रहती है कि वो अधिक से अधिक उसमें लोगों के जो आवेदन है उनका निराकरण करें और अपनी सहभागिता इस मदद की गुहार में पूरी करें। लोग आए हैं और उन्होंने अपनी अलग अलग विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बताई हैं, तो जो भी संबंधित विभाग है उन्होंने उसका संज्ञान लेके तत्काल कार्रवाई करने की कोशिश की है। और कुछ मामले जो हैं वो जो ज़मीन से संबंधित हैं, राजस्व से संबंधित हैं, तो राजस्व विभाग उनको देख रहा है। कुछ कॉलोनी संबंधित है तो उनको हमारा कॉलोनी सेल देख रहा है, और जो दिव्यांगजनों से संबंधित है उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देख रहा है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ केसेस हैं जहाँ पर कि लगता है कि तत्काल स्वास्थ्य के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है, तो वो रेड क्रॉस से उसमें कुछ राशि भी स्वीकृत की गई है कुछ केसेस।